नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, कच्चे कर्मचारियों के बारे में एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज। योग शिक्षकों का सीएम सिटी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। आयुष योग सहायक व कोच की नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। योग शिक्षक संघ के सीएम सिटी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। जिला सचिवालय के सामने ही योग शिक्षकों ने डेरा डाल दिया है। संघ का कहना है कि योग शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं की जाती और धरना तब तक जारी रहेगा। राज्य कार्यकारिणी सदस्यों ने जानकारी देते हुए कहा कि योग शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं कर रही सरकार, जिसके कारण हरियाणा में योग वॉलंटियर योग प्रशिक्षकों को 13 जून से लगातार अनिश्चितकालीन धरना अब जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना कि योग शिक्षक खेल विभाग में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने रूल बनाया था कि हरियाणा के किसी भी पास विभाग में अनुभव प्रमाण पत्र है तो प्राथमिक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। पार्ट वन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आयुष योग व शिक्षक आयुष योग कोच नियुक्तियां नहीं करवाएगा। हां जी साथियों, मैं एक बात और इसके अंदर बताना चाहता हूं। कुछ साथियों ने हरियाणा रोड में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है और वो लिए भी जाएंगे। आपको अनुभव भी शायद दिया जाएगा हरियाणा रोडवेज में, लेकिन कौशल रोजगार निगम में आप यदि टेंडर के जरिए हरियाणा सरकार रोडवेज में कंडक्टर ड्राइवरों की भर्ती करेगी तो आप लगेंगे। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट 2 पे सोच रहे हैं, आगे आगामी में पक्का होने की सोच रहे हैं, तो आप नहीं लगेंगे। मैं ये भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।